नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसजी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इसी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, ये हम आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देरी हो रही है और नीतीश कुमार ने इस पर साफ कहा कि जो हमारे सहयोगी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी, उनके तरफ से पूरी लिस्ट नहीं आ रही है। लेकिन हालांकि बिहार के जो भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, वो दिल्ली भी पहुंचे थे, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की थी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकता है कि एक दो दिन के बाद ये खबर निकल करके सामने आए कि मंत्रिमंडल में किन किन को जगह मिलेगी। उससे ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, ये आपको सुनना जरूर चाहिए। अरे कितनी बार हम कह चुके हैं कि सस्पेंस जल्द खत्म हो। अंदाज क्या होता, हम तो बता दिए जल्द। अरे लंबा नहीं हो, कोई देरी नहीं। देखिए होता है ना भाई, आपने देखा पिछले बार खरमास आ गया था और चीज़ें होती है, इसलिए इसमें कोई अब देरी नहीं होगी। अब किससे कौन मिलता है उसका रोज हम थोड़ा हिसाब रखते हैं। आज बीजेपी के नेता मिल रहे हैं क्या? मारिया झारखंड पब्लिक स्कूल की तरफ से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।